ट्वेल्थ साइंस में 90% रिजल्ट रहा है। मैं केवी की टॉपर रही हूँ। अच्छा, इस पोजीशन पहुंचने में आपका जो प्रेरणा कोचिंग इंस्टीट्यूट करियर इंस्टीट्यूट है उसका क्या रोल रहा है? सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाए तो प्रेरणा करियर इंस्टीट्यूट का ही है। यहाँ के टीचर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, कॉन्स्टेंटली वो सपोर्ट करते रहते हैं। कोई भी सिचुएशन में आप रहे वो आपको अप्रिशिएट करते हैं और फिर से खड़े होने का मौका नहीं भी मिलता है। यहाँ के टीचर काफ़ी चीज़ को शेड्यूल तरीके से पढ़ाते हैं और करते भी हैं। टेस्ट का एक शेड्यूल रहता है कि आपका इस ढंग से टेस्ट होगा, जिससे हर कुछ लाइनअप हो जाता है कि आपको कहाँ क्या वीक पोर्शन है, क्या स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। और यहाँ के टीचर स्ट्रॉन्ग पोर्शन को तो और ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और जो वीक पोर्शन है उसको भी और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ में जैसे मैं यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेरा बायोलॉजी था, तो यहाँ पर फिजिक्स मुझे निहाल सर पढ़ाते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा मेहनत रहता था मुझ पर। और सिद्धार्थ सर जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है उनके कारण आया। और हिमांशु सर हर वक्त जो है मोटिवेट करते रहते थे कि मतलब अगर आप गिर भी चुके हो तो फिर से कैसे खड़ा होना है, वो सर हमेशा ही करते रहे हैं। और दोनों सर का, इस तीनों सर का जो है एक्चुअली मुझे मिल के है ये रिजल्ट है। मतलब PCI से आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब साथ मिला, सपोर्ट मिला है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आपने कौन सा सेशन में यहाँ ज्वाइनिंग किया था? ये सेशन 22-23 किस क्लास में थे उसमें? 12th में ही थे। मतलब 12th मतलब अपना 11th 12th होता है ना? 11th 12th दोनों से यहाँ किया है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आपका हुआ है तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि घर के वो पहले गुरु भी हैं और हमेशा से वो लोग मोटिवेट भी करते रहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुश किए हैं। और दूसरा, अगर कोई है रियल में भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो वो टीचर और माँ ही पिता है इस जग में। और यहाँ के टीचर निहाल सर और सिद्धार्थ सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। और जो बोलते हैं कि मतलब भगवान है तो वो यही लोग हैं, गुरु हैं। तो अब बताइए, आपका जो रिजल्ट रहा उसमें सबसे अच्छा मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट में रहा है? सबसे अच्छा मेरा बायोलॉजी में रहा है, 100 में 95% आया है सिद्धार्थ सर की वजह से। कॉन्स्टेंटली सर बताते रहते थे कि किस ढंग से स्कोर कर सकते हैं पेपर में, और सर टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे लेते हैं। अच्छा, आपका मेन जो सवाल है, आप फ्यूचर में कौन सा फील्ड में जाना चाहेंगे आपका रिजल्ट को देख के? मैं मेडिकल के फील्ड में जाना चाहूँगा। मेडिकल फील्ड में? हाँ। मतलब आपका बायोलॉजी से स्ट्रॉन्ग रहा, इसलिए? हाँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं जो देश को है कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। और बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ ताकि सबको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। जो आज जैसे मेडिकल फील्ड प्रोग्रेस कर रहा है, मैं चाहती हूँ उसकी और भी रिसर्च करके उसको और भी। आपके रिजल्ट पर आप अपने सलाह देना चाहेंगे? मैं जूनियर को यही सलाह देना चाहूंगी कि आप जिस फील्ड में आप स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, वीक फील्ड पे भी आप काम करते रहिए और एक अपना शेड्यूल बना लीजिए कि इस ढंग से हमको पढ़ाई करना है, उस शेड्यूल को मेंटेन करिए। और जब सुबह का टाइम होता है तो आप उस टाइम पे अपने जो सबसे वीक पोर्शन है उससे स्टार्ट करिए और एक शेड्यूल जैसे इंटरवल ऑफ टाइम आप बनाइए कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे पढ़ना है, तो उस टाइम तक आप पढ़िए, क्योंकि उससे ब्रेन आपका वो सिस्टम उस टाइम पे आपको बता देगा कि अभी आपको पढ़ना एक्टिवेट हो जाएगा उस टाइम पे। तो शेड्यूल रहिए और टीचर का गाइडलाइन लेते रहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और साइड चीज़ों से, तो आप टीचर का गाइडलाइन में, अगर टीचर के टच में रहोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। और मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया पर थोड़ा कम रहना चाहिए, जब 11th 12th में जो भी पढ़ रहे हैं जो जूनियर है तो थोड़ा कम रहिए और सब कुछ एंजॉय करके अच्छे से पढ़ते रहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर से आपका नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मुस्कान खालसा है। मुस्कान जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपने जूनियर्स को भी बहुत अच्छा मोटिवेट किया है और आगे आप अच्छे से रहें और डॉक्टरी में आपका अच्छा रहे। ठीक है, थैंक यू सर।